इस एयर पंप को बनाने के लिए आपको एक गोल बोतल चाहिए जिसमें कोई भी रिजेस ना हो, एक डीवीडी सीडी का स्टैंड चाहिए, गुब्बारा आदि चाहिए। सबसे पहले बोतल को पेंदे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर काटें और बोतल के पेंदे में आप 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद बनाएं। उसके बाद में ढक्कन में आप 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक बिल्कुल नीट क्लीन छेद बनाएं और इस छेद के ऊपर आप एक गुब्बारे को तान दें और गुब्बारे को जो ढक्कन का जो रिम है उसके साथ टेप कर दें, एक्स्ट्रा गुब्बारे को काट दें। ये बन जाएगा हमारा डिलीवरी बैल। इसमें अगर आप फूकेंगे तो बहुत तेज कर्कश आवाज आएगी। ये वैल्व एक ही दिशा में हवा जाने देता है। ये हमारा हो गया डिलीवरी वैल्व। उसके बाद में आप सीडी डीवीडी का जो स्टैंड होता है उसको ले और उसको पेंदे पे निशान लगा करके काट दें, जिससे कि ये एक पिस्टन बन जाए और बोतल के अंदर एकदम फिट हो। तो ये बन जाएगा हमारा पिस्टन और उसका प्लंजर, ये हैंडल प्लंजर बन जाएगा। फिर पिस्टन के अंदर आप 2 छेद बनाएं, बिल्कुल साफ सुथरे 2 छेद बनाएं। उसके बाद में टेप का छोटा सा टुकड़ा लें, उस पर आधे हिस्से पर आप टेप को दोबारा चिपका दें, जिससे कि इस हिस्से के अंदर कोई गोंद ना हो। यह बन जाएगा फ्लैप। फिर और गोंद वाले हिस्से को आप चिपका करके ये बन जाएंगे हमारे सक्शन वाल्व। ये देखिए कैसे काम करते हैं, ये खुलते हैं, बंद होते हैं, हवा को एक ही दिशा में जाने देते हैं। इसके बाद में आप प्लंजर और पिस्टन को बोतल के अंदर फिट कर दें और जो पेंदा काटा था उसको अच्छी तरह से टेप कर दें। अब ये होगा एक्शन। आप इस हैंडल को पकड़ करके आगे पीछे करेंगे तो पिस्टन बोतल में आगे पीछे चलेगा। अंत में आप एक गुब्बारे के मुंह को तान करके बोतल के ढक्कन के ऊपर लगा दें। बस उसके बाद क्या है, आप एक हाथ से बोतल को पकड़ें और दूसरे हाथ से प्लंजर को आगे पीछे करें। इससे गुब्बारा फूल जाएगा, उसके अंदर हवा भर जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन होममेड बलून पंप है।